हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो ट्यूटोरियल में। ईमेल मार्केटिंग का सीक्वेंस वीडियो चल रहा है और अब तक हमने फॉर्म कैसे बनाते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें सीख ली है। फॉर्म बनाकर हमने हमारी एक वेबसाइट पे उसे अपलोड कर दिया है। मैं कौशल पांडे, आपका ऑनलाइन मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच, आप सबका इस वीडियो ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूँ। मेरा प्लानिंग था कि अब मैं जैसे मैंने लिस्ट बना लिया, मैंने फॉर्म बना लिया और अब मेरा प्लानिंग था डायरेक्ट ऑटोमेशन, मतलब हमारा फर्स्ट मेल जाए। लेकिन इसके पहले ये जो फॉर्म बनाना और उसे सही तरीके से अपलोड करना एक थोड़ा सा टेक्निकल काम है, तो मैं चाहता हूं कि मैं एक और फॉर्म बनाकर आपको अच्छी तरह से दिखा दूं। नया फॉर्म बनाने के, जैसे पुराना फॉर्म जो था वो मैंने स्टूडेंट के लिए बनाया था, स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करने के लिए। अभी जो नया फॉर्म बनाऊंगा वो मैं बिजनेस ओनर्स का डेटा कलेक्ट करने के लिए बनाऊंगा। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मेरी जो लिस्ट है उस लिस्ट में मैंने दो लिस्ट बनाए हैं, एक स्टूडेंट्स का और एक बिजनेस ओनर्स का। ये जो मास्टर लिस्ट है ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि डिलीट नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें मेरा ईमेल एड्रेस है जिस ईमेल एड्रेस से मैंने ये प्रोफाइल बनाया, बट ये इट्स नॉट इन यूज। तो ये होने के पहले ये मैं आपको पेज दिखा देना चाहता हूँ कि जिस पेज पे मैंने लास्ट वाला फॉर्म एस्टैब्लिश किया था। ये मेरा डिजिटल इंफिनाइट का होम पेज है। इसी होम पेज पे मैंने जो फॉर्म बनाया था पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में, उस फॉर्म को यहाँ पे मैंने डाला है। तो चलिए मैं एक और डेटा इसमें शेयर कर देता हूँ, मेरा जो डिजिटल इनफाइनाइटी gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी है। मैंने नेम पे यहाँ पे डाल दिया, इसको मैं कंट्रोल वी करके यहाँ से मैं यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ डिजिटल इनफाइनाइट, और यहाँ पे फोन नंबर टाइप कर देता हूँ 9967888322, 9967888322, और मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद लैंडिंग पेज आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ से कॉन्टैक्ट में चलते हैं और देखते हैं कि वो ईमेल आया है कि नहीं, वो ईमेल लिस्ट में शामिल हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये डिजिटल इन्फिनाइट बिजनेस नेम और ये आ चुका है। और यहाँ से अगर आप देखना चाहते हो कि अभी तक स्टूडेंट्स के अंदर कितने ईमेल हो चुके हैं, तो आपको दिखाएगा कि देखिए ये चार ईमेल हो चुके हैं। अगर मेरा आपने वीडियो ट्यूटोरियल पहले का देखा होगा तो ये जो दो ईमेल है ये मैंने इम्पोर्ट किया था। तो इम्पोर्ट किया था कैसे किया था वो देखने के लिए आप मेरा तीसरा या चौथा वीडियो प्लीज देख लीजिएगा, मुझे ध्यान में नहीं है। और उसके बाद ये वीडियो, ये ईमेल मैंने पिछले ईमेल आईडी में डाला था और इसमें ये दिखा। तो इस तरह से मेरा सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है फॉर्म। बट जल्दी से मैं आपको एक फॉर्म बनाना और सिखा देता हूं। तो चलते हैं, अभी ये जो नया फॉर्म है ये मैं इस मेरे इस पेज पे डालूंगा। ये डिजिटल बिजनेस का पेज है। ये मोस्टली हम लोग बिजनेस ओनर्स जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, उस पे वो है। वहां पे ऑलरेडी एक फॉर्म है, बट इस फॉर्म के नीचे यहाँ पे एक फॉर्म है, ये पुराना फॉर्म है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे एक फॉर्म मैं डाल देता हूँ। तो मैं एलिमेंटर में गया हूँ और पहले जो एक फॉर्म है उसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ आपको सिखाने के लिए। और यहाँ पे आया मैं और इसे मैंने डिलीट कर दिया और अपडेट कर दिया। तो ये फॉर्म यहाँ से निकल चुका है और अब मैं चलता हूं आपको यहां से, मैं फॉर्म्स के ऊपर चलता हूं। ये फॉर्म बनाना बहुत ही आसान है और आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या क्या डेटा सामने वाले का चाहिए। जैसे अभी मैं बिजनेस ओनर्स के लिए फॉर्म बना रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि बिजनेस ओनर अपने बिजनेस का नाम, अपने बिजनेस का वेबसाइट भी दे मुझे जिससे मैं उसे ट्रैक कर सकूं। तो यहाँ पे आके मैंने फॉर्म को बिजनेस फॉर्म करके नाम दे दिया। और यहाँ पे ये फॉर्म में किसका डेटा जाना चाहिए, किसका लिस्ट से अटैच करना चाहता हूँ, तो ये मैं बिजनेस ओनर सेलेक्ट कर लिया। पिछली बार के मैं आपने देखा होगा तो मैंने स्टूडेंट सेलेक्ट किया था। ये आप प्लीज ध्यान से देखिएगा, आप गलत लिस्ट मत चलेगी।
जिस लिस्ट में आप इस फॉर्म का डेटा चाहते हो उस लिस्ट को आप सेलेक्ट कर दीजिए। वेरी सिंपल। तो मैंने यहां पे क्रिएट पे क्लिक कर दिया और इसी के साथ ये फॉर्म अभी एडिट मेनू में जाएगा। फॉर्म में हमें क्या क्या चाहिए वो हम यहां से डिसाइड कर सकते हैं, जैसे सब्सक्राइब फॉर ईमेल्स, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ कि आफ्टर सब्सक्राइबिंग आवर ईमेल लिस्ट यू विल गेट रेगुलर टिप्स मेल अबाउट हाउ टू ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन। तो ये उसका मैंने डिस्क्रिप्शन यहां से चेंज कर दिया। अभी मुझे क्या क्या चाहिए, यहां पे फुल नेम चाहिए, मुझे यहां पे ईमेल चाहिए, ठीक है, इसके साथ मुझे चाहिए फोन नंबर। यहां से मैंने फोन नंबर ले लिया, सॉरी यस फोन नंबर आ गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको कुछ आपके हिसाब से चाहिए, जैसे अभी मुझे ये फोन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं काम करता हूँ, जैसे अभी यहाँ पे ये मैंडेटरी फील है, तो अगर इसको आपको मैंडेटरी करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना। तो ये यहाँ पे स्टार आ गया, देखो इसका मतलब कि दिस डेटा आर मैंडेटरी। जब तक आप इसको क्लिक फिलअप नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहां से फिर हम वापस थोड़ा बाहर क्लिक कर देता हूं, ये वापस आ गया। अभी मुझे यहां से इनकी वेबसाइट चाहिए, तो मैं क्या करता हूं यहां से एक फर्स्ट नेम को यहां पे ले लेता हूं और इसको मैं चेंज कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं वेबसाइट, सॉरी ओके वेबसाइट URL। मतलब मैं चाहता हूं कि जो क्लाइंट कस्टमर है वो अपना वेबसाइट भी यहां पे डालें, ठीक है। ईमेल ये चला गया यहां से, इसको मैं फिर से यहां पे ले लेता हूं। तो सॉरी मुझे ये तीन ही अलाउ कर रहा है, ये मुझे तीन ही अलाउ कर रहा है, आई थिंक बिकॉज इट इज अ फ्री। मैं अकाउंट लेके देखता हूं यहां पे, अच्छा फुल नेम और फर्स्ट नेम ये दो एक ही होने की वजह से ये दोनों को ले नहीं हो रहा था। तो यहां पे मैं इसको वेबसाइट URL कर देता हूं, वेबसाइट URL, ठीक है, ये मैंने ये कर दिया। तो फुल नेम, ईमेल, फोन नंबर और वेबसाइट URL, ये चार डेटा मैं कलेक्ट करना चाहता हूं। और फुल नेम को मैं चाहता हूं कि ये मैंडेटरी रहे और वेबसाइट URL भी मैं चाहता हूँ मैंडेटरी रहे। वेबसाइट URL की जगह पे मैं यहाँ पे सिटी नेम डाल सकता हूँ, उसका और भी चीजें मैं पूछ सकता हूँ पर्सनल डेटा, बट मुझे फिलहाल इतना ही चाहिए। और इसके साथ अगर आप चाहते हो कि इसको थोड़ा सा कलर अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कलर थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, आपको कौन सा कलर पसंद है वो हिसाब से आप इसको ले सकते हो। तो यहाँ से थोड़ा सा लाइट कलर ज़्यादा अच्छा रहता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइट कलर ले लेता हूँ। तो ये यस दिस इज दिस लुक गुड। आप ये टेक्स्ट का कलर अगर चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का कलर सब वाइट पे है। उसके बाद आप अगर बटन का कलर चेंज करना चाहते हो तो आप वो सारी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। लेआउट में यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि आप फॉर्म इस तरह से हॉरिजॉन्टल इसमें लैंडिंगस्केप में रखना चाहते हो या वर्टिकल रखना चाहते हो, तो किस तरह का फॉर्म आप डालना चाहते हो वो भी यहाँ पे ऑप्शंस है। और मुझे ये एक्टिव कैंपेन मार्केटेड बाय एक्टिव कैंपेन ये निकाल देना है, तो मैं ऑप्शन में जाऊंगा और ऑप्शन में जाके ऑप्शन नहीं स्टाइल में नीचे जाऊंगा, AC ब्रांडिंग करके लिखा हुआ है, इसे मैं ऑफ कर, ठीक है।
यहाँ पे आप बॉर्डर का साइज वगैरह बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिएगा, दिस इज वेरी इजी, मैं इसको इसमें नहीं पढ़ना चाहता। और उसके बाद फिर मेरा लैंडिंग पेज क्या होगा, तो मैं मेरा जो पुराना पेज था लैंडिंग का, मैं चाहता हूँ कि उसी पेज को मैं यहाँ पे लैंडिंग पेज कर दूँ, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बाद ही मैं उस, हाँ यहाँ पे है लैंडिंग पेज, सॉरी ये लैंडिंग पेज है यहाँ पे, मैंने इसको कॉपी कर लिया। और देखिए मैंने जैसे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल बताया था कि सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद अगला एक्शन क्या हो, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन में जाइए या तो सीधा एक थैंक यू मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर साइनिंग अप, या आप आपके हिसाब से जो भी टाइप करना चाहते हो, जितना बड़ा करना चाहते हो आप लिख सकते हो। ये सिर्फ उसको जहां पे आपकी वेबसाइट है उसके नीचे इस तरह का एक पॉपअप आ जाएगा, और अगर आप उसको लैंडिंग पेज पे लेके जाना चाहते हो तो यहां से आप सेलेक्ट कर लीजिए शो थैंक यू, ओपन यूआरएल करके आपका जो लैंडिंग पेज है ये आपका हो सकता है, आप उसको फेसबुक पेज पे लेना चाहते हो, आप उसको ब्लॉगर पेज पे लेके जाना चाहते हो, कहीं जहां पे आप उसको लेके जाना चाहते हो आप वहां पे दे। अगर आप कोई चीज डाउनलोड करने को ऑप्शन देना चाहते हो तो आप उसको वो भी दे सकते हो कि यस, जैसे आपने ऐड दिखाया है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे वेबसाइट को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये डाउनलोड आप कर सकते हो, तो आप उस तरह का वो डाउनलोड बटन वहां पे डाउनलोड पेज पे आप लेके जाइए। तो यहां से मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूं, और ये जो स्क्रिप्ट है जावा स्क्रिप्ट है, इसको मैं कॉपी करता हूं और मेरे डिजिटल बिजनेस के पेज पे जाता हूं, और मुझे अब वो कहां पे पेश करना है वो जगह मैं ढूंढ लेता हूं, और एडिट विथ एलिमेंटर इसके डैशबोर्ड पे जाता हूं। मैं एडिट विथ एलिमेंटर में डायरेक्टली जा पा रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे वेबसाइट को लॉगिंग किया है, इसके लिए मुझे वो डायरेक्ट मेरे कंट्रोल पैनल पे जाने की इजाजत दे रहा। तो यहाँ पे जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि चलो मैं यहाँ पे मैं वो फॉर्म डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से एक सेशन ले लेता हूँ और उसको मैं स्क्रॉल करके ऊपर लेके जाता हूँ यहाँ से यहाँ पे, उसके बाद सॉरी ये ड्रैग नहीं हो रहा है क्योंकि ये पूरा एक ही पेज है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे जाके मैं एक सेशन बना लेता हूँ, यहाँ पे जाके डुप्लीकेट करता हूँ, तो डुप्लीकेट में फिर से एक आ जाएगा, और मैं ये पूरा का पूरा निकाल देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और मैं इस जगह पे उसे डालना चाहता हूं, ठीक है, यहां पे मैं डालना चाहता हूं उस फॉर्म को, तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा और इसको यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे जाऊंगा और यहां पे मैं HTML टाइप किया और उसको मैं यहां पे ड्रैग कर दूंगा। ड्रैग करने के बाद जो मैंने कोड यहां से कॉपी किया है ये कॉपी किया और मैं फिर उसमें जाके यहाँ पे पेश कर दूंगा। तो जैसे ही पेश किया ये देखिए बहुत ही सुंदर सा एक फॉर्म यहाँ पे आ गया है और ये मेरा इंस्टॉलेशन हो चुका है और मैं यहाँ से इसको अपडेट कर देता हूँ। तो ये अपडेट हो चुका है, अब यहाँ से मैं मेरा जो डेटा है मैं यहाँ से मेरा वेबसाइट पे जाता हूँ यहाँ पे डिजिटल इंफानाइट और मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ यहाँ पे। लेकिन ये करने के पहले मुझे मेरे ईमेल मार्केटिंग जो टूल है उसको 7 एग्जिट करना है और ये देखिए बिजनेस फॉर्म करके दूसरा फॉर्म तैयार हो गया है। और यहाँ से मैं आपको मेरी लिस्ट में लेके चलता हूँ, मैंने जो दो लिस्ट बनाई है ये दोनों लिस्ट में देखिएगा। स्टूडेंट्स की लिस्ट में ऑलरेडी दो टोटल 4 कॉन्टैक्ट दिख रहे हैं, 2 कॉन्टैक्ट जो है वो सब्सक्राइबर से आए हैं, बिजनेस ओनर्स में एक भी कॉन्टैक्ट नहीं दिख रहा है। आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो जो कॉन्टैक्ट है उनका पूरा डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा।
ये देखिए ये जो दो डेटा है ये मैंने इंपोर्ट किया था, तो ये उनका डेटा है। और यहाँ से अगर आप ऑल में जाएंगे तो सारे कॉन्टैक्ट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ से बहुत सारे और ऑप्शन है, अनकन्फर्म, सब्सक्राइब, एनी, आप वो हिसाब से आपका कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये दो थे जो मैंने सब्सक्राइब किए थे पिछले फॉर्म पे। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, आपको यहाँ पे मैं बिजनेस ओनर्स में जाता हूँ और देखिए बिजनेस ओनर्स पे एक भी ईमेल नहीं है। और फिर मैं मेरी वेबसाइट पे जाता हूँ, डिजिटल बिजनेस के पेज पे जाता हूँ जो मैं बिजनेस ओनर्स के लिए बनाया हूँ, और यहाँ पे जाके मैं इस फॉर्म को फिलअप करता हूँ। मैं फॉर्म को फिलअप मेरा ईमेल आईडी से करता हूँ, कौशल पांडे ट्रिपल सॉरी यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मेरा रॉन्ग ईमेल एड्रेस डालता हूँ, जस्ट @gmail, ये मेरा रॉन्ग ईमेल एड्रेस है क्योंकि मैं मेरा ईमेल एड्रेस को बचा के रखना चाहता हूँ आपको ऑटोमेशन का डेमो दिखाने के लिए। तो कौशल पांडे यहाँ पे सॉरी मैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल भी यहाँ पे कर लेता हूँ, ये फर्स्ट नेम का कॉलम था कौशल पांडे। अब मैं क्या करता हूँ कि चलो मैं आधा इंफॉर्मेशन ही भरता हूँ, मैंने सिर्फ इतना भरा, ये नहीं भरा। और देखते हैं ये देखिए यहाँ पे दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड क्योंकि हमने इसको मैंडेटरी किया है। तो यहाँ पे कौशल पांडे मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया, यहाँ पे फोन नंबर डाल दिया 9004900 and 100। ये फोन नंबर डालने के बाद अब मैं यहां से वेबसाइट का यूआरएल डालता हूं, www.hopelandonline.com एक डाल दिया मैंने, और इसको मैं सबमिट। अब सबमिट करने के बाद मैंने जो लैंडिंग पेज बनाया है वो आ जाएगा। यस, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, ये लैंडिंग पेज आ गया। अब हम चलते हैं यहां पे और इस लिस्ट में देखिए एक भी ईमेल नहीं है, और मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करके देखता हूँ कि ईमेल मेरा आ गया है क्या बिजनेस ओनर्स की। ये देखिए मैंने अभी देखिए कौशल पांडे 888 मैंने ये बनाया था और ये मेरा यहाँ पे आ चुका है। तो ये जो फॉर्म है ये पूरे अच्छी तरह से काम कर रहा है। चलिए इस वीडियो ट्यूटोरियल को हम यहीं पे खत्म करते हैं, और अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम ऑटोमेशन मार्केटिंग के बारे में सीखते हैं। ऑटोमेशन मार्केटिंग मतलब कि अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपना पहला ईमेल ड्राफ्ट करेंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद पहला ईमेल सामने वाले यूजर सब्सक्राइबर को क्या जाए वो हम डिसाइड करेंगे और उसको हम ऑटोमेट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।